आदाब में शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दूसरी कोरोना लहर में 800 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान, IMA ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली दंगों में गिरफ्तार 4 मुसलमानों को निचली अदालत ने दी जमानत। गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर तोड़फोड़ का लगाया आरोप। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में आया सामने, कोरोना वायरस के कारण 2000 से ज़्यादा बच्चों ने खोए एक या दोनों वालिदैन। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इराक युद्ध के जिम्मेदार डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 88 साल की उम्र में निधन। मिस्र में सैकड़ों पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच शुरू। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिम्रा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आंखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम वादी में हर जगह दस्तियाब है। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मरने वाले डॉक्टरों के आंकड़े जारी किए हैं। IMA के अनुसार मरने वाले डॉक्टरों की कुल संख्या 800 है, जिसमें से अधिकतर बिहार और दिल्ली से हैं। अभी IMA ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने लोगों ने वैक्सीन ली थी। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनमें से कुछ ने ही वैक्सीन की दोनों खुराक ली थी। मरने वाले डॉक्टरों में अक्सरियत ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली थी। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े दो मामलों में मंगलवार को 4 मुस्लिमों को जमानत दे दी गई। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत देते हुए कहा कि क्योंकि चार्जशीट दायर की गई है और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए सभी 4 आरोपियों को मुकदमे के समापन तक कैद नहीं किया जा सकता है। जांच पूरी होने में बहुत समय लगेगा और महामारी को देखते हुए कोर्ट इन्हें रिहा करती है। कोर्ट ने चारों से 20,000 रुपये की धनराशि जमानत के तौर पर जमा करवाई है। बुधवार के दिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार BJP के कुछ कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर अमित प्रधान नाम के नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने पथराव शुरू कर दिया और काले झंडे भी दिखाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने BJP नेता की गाड़ी को किसी तरह वहां से निकलवाया। इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में गाजियाबाद SSP के दफ्तर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर BJP कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR ने कोरोना वायरस के कारण अनाथ होने वाले बच्चों पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 बच्चों ने एक या दोनों वालिदैन कोरोना वायरस के हाथों गंवा दिए। इस सर्वेक्षण के अनुसार 651 बच्चों ने अपनी मां को महामारी के कारण खो दिया, जबकि 1311 बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इराक युद्ध के आर्किटेक्ट पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का मंगलवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रम्सफेल्ड के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया था। हालांकि बाद में अमेरिका इराक में शांति बनाए रखने में विफल रहा। नतीजतन शिया सुन्नी मतभेद ने हिंसक रूप ले लिया और इराक में खूनी विद्रोह शुरू हो गया था। अमेरिकी सैनिक आज तक इराक में मौजूद हैं। मार्च 2003 में अमेरिका की इराक में घुसपैठ के मामले को दुनिया के सामने सही ठहराने में रम्सफेल्ड ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर विनाश के इराकी हथियारों के खतरों की चेतावनी दी थी। हालांकि ऐसा कोई हथियार कभी नहीं मिला। न्यूज़ वेबसाइट अरबी 21 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में वरिष्ठ अधिकारियों सहित मिस्र के कम से कम 600 पुलिसकर्मियों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सुरक्षा और न्यायिक सूत्रों ने कहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों को उनके खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच पूरी होने तक सेवा से निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की कि इनमें से कई पुलिस वालों को अब आपराधिक मुकदमे के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इनका अपराध साबित करने के लिए सबूत मौजूद है। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।